जेएमपी एक्सप्रेसवे पर कार हादसे में जान गंवाने वाले पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की गर्लफ्रेंड रीना राय ने मामले में चुप्पी तोड़ी है। रीना ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की, इसमें 10 स्लाइड्स हैं। 15 फरवरी को हुए हादसे में सिद्धू की मौत हो गई थी और रीना बाल बाल बची थी। इंस्टा पोस्ट पर रीना ने लिखा है कि वो हमेशा उन्हें दीप सिद्धू याद करती रहेंगी और हमेशा उन्हें प्यार करती रहेंगी। जो आत्मा से जुड़े होते हैं वो कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। कहीं दूर किसी दूसरे जहां मैं तुमसे मिलूंगी। रीना ने आगे लिखा कि तुम्हारे बिना मैं अंदर से मर चुकी हूं। तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूं। तुमने वादा किया था कि कभी मुझे नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम मुझे यहां अकेला छोड़ गए। मैं टूट चुकी हूं, उदास हूं और पागलों जैसी हो गई हूं। मैं सिर्फ तुम्हारा प्यार भरा इजहार सुनना चाहती हूं। रीना ने पोस्ट में लिखा कि पिछले रविवार मैं कुछ परियोजनाओं को शुरू करने और दीप के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए दिल्ली आई थी, क्योंकि हम पिछले साल इस दिन को मनाने से चूक गए थे। यह एक जादुई दिन था जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखूंगी। अगले दिन हमने मुंबई जाने से पहले पंजाब जाने का फैसला किया। हमने अपना सामान पैक किया, स्कॉर्पियो में लोड किया और बाहर निकल गए। दीप और मैंने कुछ समय तक बातें की और फिर मैंने झपकी लेने का फैसला किया, क्योंकि मुझे अभी भी फ्लाइट की थकान थी। उसने साथ में लिखा कि मैंने अपनी सीट पीछे की, जूते उतार दिए और सो गई। मुझे बस इतना याद है कि मैं सीट पर बुरी तरह हिल गई, एयरबैग से टकरा रही थी। मुझे पीठ पर महसूस हुआ कि जैसे आग लगी हो और मैं पूरी तरह से सदमे में थी। मैंने ऊपर देखा तो दीप हिल नहीं रहा था। मैंने वाहेगुरु से प्रार्थना की और उनसे मुझे दीप की मदद करने की शक्ति देने की अरदास की। मैं चिल्लाई, दीप वेक अप। अंत में मैं उठने और उसकी ठुड्डी को अपनी ओर करने में सक्षम हुई। उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा पूरी तरह से खून से लथपथ था। मैं बेहोश हो गई, पीछे झुकी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। एक राहगीर ने आकर मुझे स्कॉर्पियो से बाहर निकाला और मुझे जमीन पर लिटा दिया। रीना ने लिखा कि वहां लेटे मैंने मनदीप को फोन किया और वहां आसपास मौजूद लोगों से दीप की मदद करने की गुहार लगाई। वो गाड़ी में आगे की सीट पर फंसा था और कार का कैबिन उसके चारों ओर से क्षतिग्रस्त हो चुका था। पहली एम्बुलेंस आने के बाद मुझे वहां 30 मिनट के लिए रखा गया था। मैंने देखा कि वहां मौजूद लोगों और मेडिकल टीम ने जमकर कोशिश की और अंत में दीप को स्कॉर्पियो से निकालने में सफल रहे। पैरामेडिकल टीम ने दीप को दूसरी एम्बुलेंस में बैठाया और हम दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। मैं हर किसी से भी पूछती रही कि दीप कैसा है और हर कोई मुझसे कहता रहा कि वो ठीक है। मेरा दिल मुझे कुछ और ही बता रहा था और मैं उसे पुकारती रही। रीना ने पोस्ट में लिखा कि अमेरिका में रह रहे मेरे परिवार ने भी मुझे दीप के निधन के बारे में तब तक नहीं बताया जब तक कि मेरे बगल में मेरे परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में नहीं पहुंच गया था। आखिरकार करीब 5 घंटे के बाद मेरा चचेरा भाई पंजाब से अस्पताल पहुंचा। मेरे परिवार के निर्देश पर मुझे उपचार और जांच करवाने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय हृदय संस्थान में स्थानांतरित किया गया। वहीं मेरे परिवार ने मुझे बताया कि दीप का निधन हो गया है, दिल टूट गया और सदमे में। मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैंने अपने परिवार के आग्रह पर वापस अमेरिका के लिए उड़ान भरी। अब मैं घर पर ही स्पाइनल फ्रैक्चर से उबर रही हूँ। रीना ने दीप सिद्धू के लिए अपने दिल के हाल को तो बयान किया ही है, साथ ही बेहद मार्मिक तरीके से पंजाब के भविष्य के लिए उसकी कुर्बानी को भी जाहिर किया है। रीना ने लिखा कि तुम हमेशा कहते थे कि बड़े बदलाव के लिए बड़ा बलिदान जरूरी है, इसलिए मेरी जान जाओ, मैं हमेशा तुम्हें याद करती रहूंगी। रीना ने इसके साथ ही 120 घंटों के प्यार, दर्द, मौत और घर वापसी को भी जाहिर किया। लिखा कि मैं इंडिया पहुंची, प्यार का दिन वैलेंटाइन डे मनाया, कार एक्सीडेंट झेला, अपने प्यार को खोया और फिर वापस आ गई। दीप सिद्धू की कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उनका वाहन एक ट्रॉली से टकरा गया था। हादसे के वक्त दीप सिद्धू के साथ गर्लफ्रेंड रीना राय भी थी। उसे घायल अवस्था में खरखौदा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वह अब ठीक होकर अमेरिका जा चुकी हैं। रीना राय भी एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने दीप सिद्धू के साथ रंग पंजाब और देसी फिल्मों में काम किया है। रंग पंजाब साल 2018 में रिलीज हुई थी, जबकि देसी अभी रिलीज होनी बाकी है।